Okay, let's read Proverbs chapter twenty nine, verse seventeen. I miss Algitab Satarma Bab. Okay. Well unnatis me Alright the title. If you have Proverbs twenty nine seventeen, let's read it. Today. I I am the Kimesalgi ki Gitab bab or sata sati. Okay, sis. Uh, can you read it for us? Yes. Uh, इमसाल की किताब उनतीस बाप सत्तारवी आयत में सत्रवीं आयत में यूं है अपने बेटे की तरबियत कर आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा Amen. Amen. Title is आज का जो अनुमान है वो है अंजील की नजरिया अनजील का नजरिया परस्पेक्टिव uh, Right? Uh, नजरिए मुरा किस तरह चीजों को देखते हैं हर चीज हम जो देखते हैं वो हमजील अंज, के नजरिए से देखते हैं अंजील की नजर से देखते हैं क्योंकि right? क्यों हम खुदा के फर्जंद हैं? And Jesus is within us. और खुदा यस्सू जो है वो हमारे साथ है आज का कलाम हमें बताता है कि अपने बेटे की तरबियत करो How would you discipline your son? तो आप किस तरह अपने बेटे की तरबियत करते हैं We sometimes say, Do your homework. हम बाज कहते हैं अपने घर का काम मुकम्मल करें Sleep early. जल्दी सोएं। Eat your meal. खाना अपना मुकम्मल खाएं so things, right? और भी बहुत सी चीजें the पर हम ये भूल जाते हैं कि अंजील जो है वो हमें अंजील का नजरिया क्या है अंजील हमें क्या सिखाना चाहता है in तो इसलिए हमें तारुफ में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए अमानवेल uh, क्या है

Everywhere, everything, in everything. और मतलब हमें ये सिखाने की जरूरत है कि हम जब खुदा में होते हैं तो हम हर चीज का लुत्फ उठाते हैं तो इसका मानी क्या एक सवाल है कि खुदा क्या हमारे साथ बाजूकात होता है या हर वक्त होता है

पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम किस तरह से ए इमानुएल आमान, को खुश रह सकते हैं इमानुएल में प्रेयर दुआ के जरिए दुआ नॉट जस्ट मेमोराइजिंग प्रेयर ना ही सिर्फ जो कि हमने दुआ याद की हुई है अ प्रेयर विद फेथ दुआ ईमान के साथ अकीदा के साथ बिकॉज़ अकीदा इन द वर्ड इन द बाइबल सेज

ईमान रखना अकीदा क्या है मसीह पर ईमान रखना दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ये बहुत अहम है so और आए हम चलते हैं मजमु की जानब या मवाद की जानब वास्टेक्टिव मवाद. मवाद क्या है फर्स्ट अंडरस्टैंड uh, मवाद में क्या है कि हमने सबसे पहले यह चीज समझनी है कि हर इंसान जो है वो कुछ चाहता है be, well. और हर इंसान चाहता है कि उसे दूसरा इंसान जो है वो अच्छे तरीके से उसके साथ चले we just, we, we क्या हम यहाँ पर शायद सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अच्छी जिंदगी थिंग्स right? हर कोई चाहता है अच्छी चीजें

So तो चाहते हैं पर वो ये नहीं जानते ये कैसे होगा that's why इस they, हालत मेंिक्स एंड इलेवन और इसके बाद इस वजह से लोग जाते हैं छप बाप और उसकी ग्यारहवीं बाप में माई सेल्फ्री माई सेल्फ मेरी जो मेरी हालत जो है वो यहाँ पर है पैदाइश की किताब तीसरा बाब में आई हर्ड दैट पाकिस्तानीज दे आर वेरी गिविंग मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत देते हैं राइट right? जी आई रियलाइज गिव अ लॉट राइट यस राइट बट इफ यू आर इन दिस स्टेट गिविंग इज नॉट ट्रू गिविंग अगर लेकिन अगर आप इस हालत में हैं तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं नजराने कर रहे हैं तो वो देना देना नहीं बिकॉज डीप इन साइड इज फॉर यू फॉर योर क्योंकि अंदर जो है वो आप खुद हैं अपने आप में टू फील बेर अच्छा रह, रुक रहने के लिए एंड एवरीबॉडी गोज फॉर फिजिकल थिंग्स और हर बंदा जो है यहाँ पर जो मादाई चीजें हैं वो उनकी तरफ भागता है आई एम नॉट सेइंग दैट हैविंग मनी इकोनॉमी इज बैड मैं ये नहीं कहता कि पैसा होना और अच्छी पैसा ज्यादा पैसा होना ये बुरी चीज है बट बींग सेंटर इन दिस इज रॉन्ग पर इसमें अपनी पैसे को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेना ये गलत है and What is Genesis 11? और यारवा बाप क्या है I need to succeed. I need to have success. पैदाइश की किताब ग्यारहवा बाप क्या बताती है कि अपनी कामयाबी के लिए भागना I need to drag down and I go up. और मतलब दूसरे को नीचे करना और खुद को ऊपर लाना। you see that in your आप ये देख सकते हैं अपने काम की जगह पे देर always bothers you। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक होगा जो आपको तंग करता होगा मतलब आप वो आप, आप, आप अपना काम करते हैं और जो चीज वो बंदा कोई दूसरा आपको कह रहा होता है आप वो उस काम को ध्यान से करते हैं पर वहाँ पे हमेशा है कोई एक शख्स ऐसा होता है जो, जो कि आपको तंग करता है and you it and like, why? Why? तो आप, आप जब ऐसा महसूस करते हैं तो आप अपने आप से सवाल करते हैं क्यों ऐसा ये हो रहा है why, ये इसलिए हो रहा है इसकी वजह से अगर ये आप समझे तो फिर आप उनके लिए दुआ करें दैट्स व्हाई टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गॉस्पल पर्सपेक्टिव वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द वी केम फ्रॉम और انجیل के नजरिए को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना ये चाहिए कि हम आए कहां से हैं एंड व्हाट स्टेट ह्यूमन इज नाउ और इंसान की हालत जो है वो क्या है वो किस हालत में है सो व्हाट इज द

Gospel. और ये अंजील हम कहाँ पर देखते हैं कब देखते हैं 3, ये हमें पता चलता है पैदाइश की किताब तीसरा बाब पंद्रहवी आयत में also where? 6, 14. और इसके साथ साथ पैदाश की किताब छठा बाब चौदवी आयत में चैप्टर पैदाइश की किताब बारवा बाप पहली से तीसरी आयत में दिस इज फ्रॉम गॉड खुदा की तरफ से हैं सो दिस इज आंसर ये है सही जवाब जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव ये है नजरिया सी नाउ It is given by God. जो अभी हम देखते हैं वो खुदा की तरफ से दिया गया है। If you receive the money from the work, अगर आप काम से जो आप काम करते हैं उससे पैसा कमाते हैं। Who gave it to you? ये पैसा आपको कौन देता है? God, right? खुदा, <laughs> right? But I work. But you. पर mean? मैं मैंने तो मेहनत की है। What do you mean? I work. I did it, right? मैंने खुद बनाया है पैसा मेहनत करके। But given by God. पर ये खुदा दे की तरफ से होता है Later, read Genesis 12, 1, और जिसे हम देख सकते हैं अब्राहम के बारे में खुदा ने अब्राहम को बरकत दी जिसकी वजह से तमाम जो कोमे हैं उनको बरकत मिली so God gave you this job. और ये क्या ये काम खुदा ने उसे दिया

अंजील के नजरिए को जानने के लिए समझने के लिए हमें तरीका जानने की जरूरत है के तरीका कार क्या है फॉर दर्स्पेक्टिव इसका तरीका क्या है तरीका क्या है नज़रिए वर्ड हमने क्या करना है हमने कलाम की पैरवी करनी है So the question is how do you follow the word? तो अभी सवाल ये आता है कि हम कलाम की پیروی किस तरह कर सकते हैं? Can I ask um Lazar how do you follow the word? मैं क्या आपसे लाजर भाई पूछ सकता हूँ कि आप किस तरह कलाम की پیروی करते हैं? किस तरह? Through <laughs> listening. Listening. Through listening. Listening is very important, right? सुनना बड़ा जरूरी है। so following the word it means listening right but you need to understand that there is a stream like a current flow but iske flow ko flow. what is this flow god have his people of the covenant खुदा ने अपने लोगों को अहद जब जो के खुदा की तरफ से बख्शा गया अहद है जब वो लोग उन्हें थामे रखते हैं तो लोग बरकत पाते हैं they, covenant, covenant, पर जब लोग अपना अहद छोड़ देते हैं idols, और ए बुतों की परस्तिश करना शुरू कर देते हैं और हैपन टू तो फिर क्या होता है असीरिया केम फिलिस्तीन्स केम इजिप्ट केम तो फिर क्या होता है फिर ऐसे वाक्य होते हैं शमी लोगों के साथ जो हुए फिलिस्तीनियों के साथ जो हुए जो मिस्रियों के साथ हुए सो दे वर स्लेव राइट वो फिर गुलाम बन गए पर व्हेन दे वर लिबरेटेड पर जब वो दोबारा से उनमें उन्होंने ताकत पकड़ी When they hold on to who? तो वो कैसे हुआ जब उन्होंने मसीह को Messiah. जब मसीह को कबूल किया मसीह जो है वो किसका उसने किरदार अदा किया Egypt? और मिस्रियों के दौर में क्या होता है कि जब वो अपने घर के बाहर भेड़ का खून लगाते थे अपने दरवाजे पर तो क्या they're, होता था free from Egypt, right? तो वो फिर वहां से बच जाते थे that, is that blood has magic? क्या इस खून में क्या कोई जादू था नहीं. मसीह के जरिए खुदा ने उन तमाम लोगों को तमाम तबाकारियों से महफूज रखा इफ यू तो आप इस, इस इमान के इस हिस्सा में हैं तो फिर आप खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पे उसकी पैरवी करते हैं क्योंकि बाइबल हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताती है। so तो इसका मतलब है कि अगर आप और चीजें नहीं सुनते तो आप कलाम को नहीं ईमान रखते उस पर no, नहीं बल्कि हमें जो अहम चीज है जिस पे थामे रखना है वो ये है। And to the word. और खुदा के कलाम को सुनना है okay. Sovereignty. और इसका जो दूसरा नुकता है नज़रिए और नजरिए और ईमान का के so, तरीक़े yeah. का वो है कंट्रोल कामिल, yeah, like like कामिल ख़ुदारी इसका मतलब है, ये खुद मख्तारी से मुराद है कि किसी भी चीज़ पर मुकम्मल हुक्मरानी करना किसकी है ये कामिल ख़ुद मख्तारी

है कामिल मंसूबा खुदा का God wants you to have good खुदा चाहता है हमें अच्छी चीजें देना so ताकि हम मसीह के गवाह बने ठहरेंगली नीट मिसाल कर तो मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको मैं ऐसी चीज दे दूं जिसकी आपको वाकई में बड़ी जरूरत है I don't know what, but okay, let's, let's imagine, okay? Uh, मुझे नहीं पता लेकिन एक सोचते हैं and you received it. और आप वो पा लेते हैं you go to your friends uh, and tell, oh, assistant pastor John, help me. हाँ, uh, तो मतलब आप दूसरों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि असिस्टेंट पास्टर ने मेरी help, मदद की So you're witness of me.

And heal others. उसके बाद जो दूसरा नुकता है वो है नजात और शिफा दूसरों के लिए मिसाल के तौर तो पर लाजर बाई का एक दोस्त है जिसे के मुबतला है What would you give to him? तो आप उसे क्या देना चाहेंगे दवाई Yeah, right? उस उसका इलाज मतलब के वो ठीक हो जाए you have this. और आपके पास ये भी है you give the answer. तो आप उसे ये जवाब दे सकते हैं। Not to heal the cancer, ना ही के उसकी बीमारी का शिफा but the spiritual problem. पर उसकी रूह के मसाइल का हलिंग ये वो शिफा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ Last third one. और तीसरा नुकता क्यों हमें इस नजरिया की जरूरत है मुनादी करने के लिए mission. मुनादी और मिशन के लिए so, you are in missions in Korea right now. हम जो हैं हम यहाँ पर खुदा के मकसद के लिए इस यहाँ पर हैं कोरिया में Why? Because क्यों? you are witness of Christ. क्योंकि हम गवाह हैं मसीह के. So this place must be the most uh, uh most graceful for you. Grateful. तो तो ये जगह जो है ज़रूर है कि ये हमारे लिए बहुत ही अज़ीम जगह है. Because God sent you here. क्योंकि खुदा ने हमें यहाँ पे भेजा है. I paid the ticket. Hmm. I did the visa. I did everything to come hmm. here. Yes. मैं मतलब मैंने टिकट खरीदी मैंने वीजा का सारा बंदोबस्त किया मैं यहाँ पर आया हाँ ये भी ठीक है पर आपकी जिंदगी किसके हाथ में है का खुदा के हाथ में है राइट सो दिस इज द रीजन व्हाई यू वर बोर्न ये वो वजह है जिसकी वजह से हम पैदा हुए हैं नाउ यू फॉलो द वर्ड राइट और अभी हम खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं स्ट्रीम ऑफ दैट वर्ड कलाम का बहाव And you know God's greatest desire. और आप जानते हैं कि खुदा का हमारे लिए ख्वाहिश क्या है खुदा हमसे क्या चाहता है क्या करने की जरूरत है Conclusion. What do we need to do now? अभी हमने क्या करना है खुश रहना है पहला एंजॉय मुसररत रहना है खुशी में इन प्रेयर खुश रहना है दुआ में एंजॉय इन इमैनुअल खुश रहना है खुदा में अमानुएल में ऑलवेज दिस वर्ड इन हमेशा not, इस لفظ में रहना है खुद इमानुएल में नॉट आउट ना के किसी और में इन इमानुएल हमेशा इमानवेल में सो आई होप दैट टुडे यू रियली होल्ड ऑन द गॉड्स कवेनेंट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप हकीकी तौर पर खुदा के एहत को समझ सके होंगे बिकॉज़ दैट्स द रीजन व्हाई ही कॉल्ड यू क्योंकि ये वो वजह है जिसकी वजह से खुदा हमें बुलाता है If someone asks you in your job, why did you come here? What do you answer? Have you ever had this kind of question? Yes. Several yeah. times. What do you answer? You cannot say this. Yes, yes. You can say you can do you say this? No. no you no. cannot say this. What do you say? For money. For money, right? Yes. Do you say for money too? Yeah. You don't need to feel bad about that yes. <laughs> because God has a purpose in everything you do. <laughs> so that's why, you live as a witness lifestyle in other words you say you make money but they see you different आप उन्हें बेशक बोलें जब आप गोवा बन जाते हैं Because, आप उन्हें बोलें कि मैं पैसा कमाने में, पर वो आपको दूसरे नजरिए देखते हैं क्योंकि आपके पास ये अहद है। you आप समझे हैं? So हाँ, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर पैसा बनाने आए हैं पर वो जिसे आप बताएंगे वो कुछ अलग महसूस करेंगे आप जब आप खुश, खुश होंगे Let's pray. आइए दुआ करें थैंक यू गॉड फॉर दिस टाइम खुदावन खुदा आपका शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए Let us hold on to your only covenant. और हम आपके सिर्फ अहद को थामे रहे हैं मे दिस कवेनेंट बी माई ओनली सोर्स ऑफ पावर और खुदावन खुदा हम आपसे दुआ आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि ये अहद जो है सिर्फ हमारी कुवत का वजह हो जरिया हो, का। और आप हमारी रहनमई कीजिए ताकि हम अपने अकीदा को बहाल कर सकें आपकी कामिल खुद मख्तारी और आपका हम शुक्र अदा करते हैं यह दुआ मांगते हैं मसीह में। Amen. Thank you very much. शुक्रिया।